आप वो वीडियो देख लीजिए, वो सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा आपको। आप मीडिया के लोग हैं और आप मुझसे इस किस्म का सवाल कर रहे हैं, ये तो अच्छा नहीं मालूम होता। अरे रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाइए नफीस भाई, अब 5 मिनट। मौलाना साहब एक चीज जानना चाह रहे हैं, ये प्रदर्शन कम शब्दों में जरा ये बताएं, किस दिन होगा, क्या मुद्दे रहेंगे? 20 सेकंड। हमारा प्रदर्शन इतवार, आने वाले इतवार को होगा और उसमें किसी किस्म की नारेबाजी नहीं की जाएगी, प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, जाम नहीं किया जाएगा, सड़कों पर घेराव नहीं किया जाएगा। एक अलग कैंपस है, इस्लामिया इंटर कॉलेज की फील्ड है, वहाँ तमाम लोग जमा होंगे, दुरूद शरीफ का नजराना पेश किया जाएगा, अपने मुल्क के अमन व अमान की, भाईचारे की और तरक्की और खुशहाली की दुआ की जाएगी और प्रधानमंत्री की सदबुद्धि की दुआ की जाएगी। इस तरह सा कार्यक्रम सरकारी परमिशन इसकी मिल गई है या आपके प्रशासन? ये सवाल आपको प्रशासन से करना चाहिए कि उन्होंने परमिशन दी है कि नहीं। अच्छा, एक सवाल, शामिल होने की उम्मीद है किस? मैं कानून अपने हाथ में नहीं लेता, मैं ज़बरदस्ती नहीं करता, क्योंकि मुझे अपने उलमा और अपने अइम्मा की इज्जत ज़्यादा प्यारी है, उनके साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ हो, बदतमीजी हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और अपने तमाम उलमा से और अइम्मा से भी मेरी दरख्वास्त है कि कहीं किसी किस्म की आपके साथ बदतमीजी की जाए या छेड़छाड़ की जाए या रोक टोक की जाए। आप बराह रास्त मुझे फ़ोन करें, बराह रास्त मुझसे रابطہ करें, जो मुमकिन मदद हो सकेगी इंशाल्लाह वो की जाए। मैंने नहीं बताया, आप वो वीडियो देख लीजिए, आप मीडिया के लोग हैं और आप मुझसे इस किस्म का सवाल कर रहे हैं, ये तो अच्छा नहीं। अरे रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाइए नफीस भाई, 5 मिनट। मौलाना साहब एक चीज जानना चाह रहे हैं, ये प्रदर्शन कम शब्दों में जरा ये बताएं, किस दिन होगा, क्या मुद्दे रहेंगे? हमारा प्रदर्शन इतवार, आने वाले इतवार को होगा और उसमें किसी किस्म की नारेबाजी नहीं की जाएगी, प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, जाम नहीं किया जाएगा, सड़कों पर घेराव नहीं किया जाएगा। एक अलग कैंपस है, इस्लामिया इंटर कॉलेज की फील्ड है, वहाँ तमाम लोग जमा होंगे, दुरूद शरीफ का नजराना पेश किया जाएगा, अपने मुल्क के अमन व अमान की, भाईचारे की और तरक्की और खुशहाली की दुआ की जाएगी और प्रधानमंत्री की सब सरकारी सवाल आपको शामिल होने की उम्मीद है। मैं कानून अपने हाथ में नहीं लेता, मैं ज़बरदस्ती नहीं करता, क्योंकि मुझे अपने उलमा और अपने अइम्मा की इज्जत ज़्यादा प्यारी है, उनके साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ हो, बदतमीजी हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और अपने तमाम उलमा से और अइम्मा से भी मेरी दरख्वास्त है कि कहीं किसी किस्म की आपके साथ बदतमीजी की जाए या छेड़छाड़ की जाए या रोक टोक की जाए। आप बराह रास्त मुझे फ़ोन करें, बराह रास्त मुझसे रابطہ करें, जो मुमकिन मदद हो सकेगी इंशाल्लाह। भारतीय जनता पार्टी ने उसे अपराधी माना। मनोज साहब, आप क्या बड़ा दिल नहीं कर सकते, इस धरने को स्थगित नहीं कर सकते? अगर धरना की बात है, क्योंकि आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को निकाल दिया, FIR दर्ज हो गई, लेकिन जो ICC की धाराएं हैं उन्हीं के अनुसार तो कार्रवाई होगी। अब जब देश में जगह जगह दंगा फसाद हो रहा है, बमबारी हो रही है, तो क्या आप नहीं चाहते कि शांति रहे बरेली में 2010-2012 में? क्या सवाल, ये क्या सवाल एक साथ कर रहा हूँ, मुझे किसका जवाब देना है वो बताओ। मैं ये चाहता हूँ, पहले वो बताओ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं स्थगित कर दूँ धरना? हम लोग यही भाई, तो भाई भाई तुमने गांधी जी को ये मशवरा क्यों नहीं दिया था कि आप स्थगित कर दीजिए, आप कोई धरना प्रदर्शन मत कीजिए, आप कोई सत्याग्रह मत कीजिए, हम अपने देश लड़ाई अंग्रेजों से, एक मिनट, अंग्रेजों से लड़ाई नहीं थी, नफरतों से, बुराइयों से, खराबियों से लड़ाई थी, गुलामी के खिलाफ लड़ाई थी, और हम गुलाम बन के रहने के लिए तैयार नहीं है, हमारी लड़ाई अपने देश को आतंकवाद से, नफरत से, दंगे फसाद से और इन तमाम चीजों से निजात दिलाने के लिए, ये आजादी की लड़ाई है। अब किससे